चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के 244 कर्मचारी आज भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दरअसल कर्मचारी नगर परिषद में आउटसोर्सिंग के तहत रखे गए 35 कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने ठेकेदार पर ईएसआई और पीएफ नहीं जमा कराने का आरोप लगाया है। साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर दिसंबर माह का वेतन काटने की बात कही है। कर्मचारियों का कहना है कि राजनीतिक शरण के चलते कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने सभी मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही है। कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार उनसे जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहा है, साथ ही उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अधिकारी ठेकेदार पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे वो बेहद परेशान हैं।